कलिंदी एक्सप्रेस को कानपुर के बर्रासपुर स्टेशन के पास डीरेल करने की नाकाम साजिश के बीच अब जांच एजेंसियों ने कमर कस ली है। इस दौरान घटनास्थल के बगल के गांव से पुलिस ने कुछ संदिग्धों को उठा लिया है, जिनमें से एक का नाम शाहरुख है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता जेबा खान ने इसको लेकर कुछ लोगों से बातचीत की है, सुनिए। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन कानपुर के जो मुंडेरी गांव है उसमें तमाम जांच एजेंसियों ने डेरा डाला हुआ है। जो जांच एजेंसियां हैं लगातार साजिशकर्ताओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और उन्हीं में से एक नाम मुंडेरी गांव के एक व्यक्ति का निकल के आया है, जिसका नाम शाहरुख है। और हम इस वक्त मौजूद हैं मुंडेरी गांव में, जो कि घटनास्थल से लगभग आधा किलोमीटर तक दूर है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के गांव के कुछ लोगों से, पता करते हैं जिस व्यक्ति को पुलिस ने इस साजिश में उठाया है उसका चाल चलन चरित्र कैसा था। ये खुराफाती शुरू से जा रहा है। अच्छा, क्या क्या उम्र होगी उसकी? उम्र वही लगभग होगी 25-26 के आसपास। किस तरीके का खुराफाती रहा है? अब यही है कि लड़ाई झगड़ा इधर उधर, अपना चोरी में पकड़ा गया था एक बार। अच्छा, कभी कोई मामले भी उसके हुए हैं? हाँ, उसके केस 3-4 हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना वो अंजाम कर सकता है? अब ये तो मैडम नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब भाई मना भी नहीं किया जा सकता, हो सकता है। ये हमारे साथ श्याम नारायण पांडे जी, जिन्होंने बताया कि शाहरुख जो है वो पहले भी कई चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। खैर, ये तो बात जांच का विषय है, अब देखना ये है कि पुलिस जो है कितनी जल्दी इस साजिशकर्ता पर पहुंच पाती है। कानपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए देवा खान।